हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। निर्बल का बल तेरा ये जल अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया। जय जय गंगे, जय 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 हो गंगे। जय जय गंगे, जय 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 हो गंगा मैया। जय जय गंगे, जय 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 हो गंगा मैया। सुरेश्वर, तुम्हारी प्रिय पत्नी कायाधु संपूर्ण सुरक्षित है। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर। कल्याणमस्तु। असुरेश्वर, देवेंद्र ने उसका हरण अवश्य किया था, परंतु देवर्षि नारद कायाधु को मेरे आश्रम में ले आए। कायाधु सुरक्षित है असुरेश्वर, और अग्नि जैसी तेजस्वी और पवित्र भी। आप जैसे अग्नि के उपासक जिसके पालक बन जाते हैं वो पवित्र ही होगी मुनि श्रेष्ठ। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि कायाधु ने प्रहलाद जैसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया है। प्रहलाद हमारा पुत्र। हम अपने पुत्र और रानी कायाधु को मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अच्छा, ये लो, मिल लो। कायाधु, प्रणाम पिताश्री। मेरा पुत्र, मेरा प्रहलाद। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। पिताश्री, आप तप करने गए थे? हाँ पुत्र। हमें भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए, हम भी आपके साथ तप करते। अब तुम हमारे साथ राजगद्दी पर बैठकर राज करोगे। हम जो भी करेंगे माताश्री के साथ रहकर करेंगे। ऐसा क्यों? हम माताश्री को रोते हुए नहीं देख सकते। जब आप तप करने गए थे तब माताश्री आपकी याद में बहुत रोती थी। कायाद। नहीं कायाद, नहीं। तुम हमारी प्रेयसी हो, तुम्हारा स्थान हमारे हृदय में है।
अच्छा पुत्र प्रहलाद। राजन। प्रणाम ऋषिवर। मैं चलता हूं। आयुष्मान भव। कयाद हो मधुचंदा ऋषि को क्या आवश्यकता थी प्रहलाद को स्वयं हिरण्यकश्यप के राजमहल में छोड़ जाने की? तुम्हें भय है कि प्रहलाद वहां सुरक्षित नहीं है? हाँ दीदी। तुम ये भूल रही हो उमा कि पुत्र अपने पिता के घर पहुंच गया है। पिता से बड़ी सुरक्षा और क्या हो सकती है? आप मन की पवित्र हैं दीदी, इसलिए आपको हिरण्यकश्यप जैसा दुरात्मा भी पवित्र दिखाई पड़ रहा है। ये बात नहीं है उमा। हिरण्यकश्यप अभी तप करके लौटा है। तप से तन मन दोनों के दोष दूर हो जाते हैं। तपस्वी अधिक मानवीय हो जाता है। उसमें प्रेम करुणा उदारता अहिंसा जैसे भाव तीव्रता से प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप में भी यह परिवर्तन अवश्य आ गया होगा। कुछ भी हो, अब प्रहलाद मृत्यु के मुख में ग्रास की तरह रख दिया गया है। तनिक सा क्रोध और हिरण्यकश्यप इस ग्रास को चबा जाएगा। धीरज रखो उमा, प्रभु अपने भक्त की भलाई से कभी भी विमुख नहीं होते। देखती जाओ प्रभु की लीला। आओ आओ महारानी। महाराज की जय हो। कहो युवराज, इस समय कैसे? पिताश्री, आप जानना चाहते थे ना कि गुरु शुक्राचार्य इस समय असुर लोक में क्यों नहीं है? हाँ, हमें पता चला है, वो फिर से तपस्या करने चले गए हैं। क्यों? पिताश्री, गुरु शुक्राचार्य का सारा अर्जित तपोबल शून्य हो गया है। कैसे कैसे शून्य हो गया था? प्राणेश्वर, आपको ज्ञात नहीं है कि आपका बालक प्रह्लाद विष्णु का अंश है। क्या? असुरों के महाशत्रु का अंश? हाँ। प्रमाण? आपके तपोवन जाने से पूर्व कयाधु गर्भ से थी, ये तो आप जानते ही हैं। हाँ, आगे कहो। गुरु शुक्राचार्य ने अपने तपोबल द्वारा ये जान लिया था कि कयाधु के गर्भ में पलने वाला ये बालक विष्णु का अंश है, इसीलिए उन्होंने इस गर्भ को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। उसमें से एक था कृत्या का निर्माण। परंतु विष्णु ने गर्भ की रक्षा हेतु अपने सुदर्शन चक्र द्वारा कृत्या का नाश कर दिया। और इतना ही नहीं, देवराज इंद्र ने गर्भ की रक्षा हेतु असुरलोक पर आक्रमण करके कयाधु का हरण कर लिया और देवर्षि नारद कयाधु को मधुचंदा के आश्रम में छोड़ा है। गुरु शुक्राचार्य ने कुछ नहीं किया? गुरु शुक्राचार्य ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु ऋषि मधुचंदा ने आश्रम की रक्षा हेतु अपने तपोबल द्वारा आश्रम के चारों ओर अग्नि चक्र स्थापित कर दिया था, जिसे पार करना गुरु शुक्राचार्य के वश में नहीं था। फिर भी उन्होंने किसी प्रकार अपने तपोबल द्वारा प्रह्लाद को आश्रम से बाहर निकाल दिया। पिताश्री, मैं उसका वध करने ही वाला था कि देवर्षि नारद ने मुझे बहकाकर प्रह्लाद को नदी में फेंक डालने को कहा और मैंने प्रह्लाद को नदी में फेंक भी दिया। फिर गंगा मैया ने उसे बचा लिया पिताश्री। हाँ, मत कहो उसे गंगा मैया, वो केवल देवताओं की मैया है। उसने सदा देवताओं का भला चाहा है, हम असुरों का नहीं। परंतु अब मैं देवताओं का ये षड्यंत्र किसी भी हालत में सफल नहीं होने दूंगा। हिरण्यकश्यप का कोई भरोसा नहीं, वो प्रह्लाद को जीवित नहीं छोड़ेगा। अब कौन बचाएगा प्रह्लाद को, कौन रक्षा करेगा उसकी? Thank you.
क्या हुआ? कयाधु, क्या हुआ तुम्हें? स्वामी, स्वामी, स्वामी आप मेरी जान ले लीजिए, स्वामी आप मुझे मार दीजिए, परंतु मेरे जीते जी प्रहलाद की हत्या होते हुए नहीं देख सकती। स्वामी, स्वामी, प्रहलाद का कोई दोष नहीं है, मैंने भी कोई पाप नहीं किया। स्वामी, गुरु श्रेष्ठ शुक्राचार्य ने मुझे अपना गर्भ नष्ट करने को कहा था, परंतु मैं आपकी आज्ञा के बिना ये कैसे कर सकती थी? आप मेरे परमेश्वर हैं, प्रहलाद के पिता हैं, मैं आपकी आज्ञा के बिना आपकी संतान का वध नहीं कर सकती। कयाधु, ये क्या कह रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? कयाधु, होश में आओ, कयाधु होश में आओ। मैं प्रहलाद की हत्या कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उसका पिता हूँ, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम्हारे मस्तिष्क में ये बात आई कैसे? हाँ, अपने आप को संभालो कयाधु, अपने आप को संभालो। प्रहलाद ने असुर कुल में जन्म लिया है, इसलिए वो देवताओं और विष्णु का शत्रु ही बनेगा, और इसलिए मैंने उसे असुर कुल आश्रम में शिक्षा के लिए भेजने का निर्णय किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रहलाद सर्वोत्तम असुर बनकर ही लौटेगा। अब तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, क्योंकि मेरे होते हुए कोई भी प्रहलाद का बुरा भी नहीं सोच सकता। महाराज की जय हो। युवराज आल्हाद, गुरुकुल के प्रमुख आचार्य गुरु श्रुति कृति सहित पधार रहे हैं। प्रणाम आचार्य। कल्याणमस्तु। प्रणाम आचार्य श्री। कल्याणमस्तु। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राता श्री। बड़े भैया, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। युवराज, अपने अनुज को आशीर्वाद दो। बड़े भाई का आशीर्वाद छोटे भाई की सदा रक्षा करता है। कल्याणमस्तु। बड़े भैया, अब मेरे कल्याण का उत्तरदायित्व आप ही पर है। आचार्य श्रुति कीर्ति, आप हमारे प्रहलाद को गुरुकुल ले जाइए और इसे असुरों के उच्चतम संस्कारों से अलंकृत कर दीजिए। आज से प्रहलाद आपका शिष्य है और आप इसके गुरु। प्रहलाद, अपने गुरु को प्रणाम करो। मेरे तीसरे गुरु को प्रहलाद का प्रणाम। तीसरा गुरु? तुम्हारे पहले गुरु कौन है वत्स? मेरी माता श्री, और दूसरे गुरु महर्षि मधुचंदा। पुत्र, महर्षि मधुचंदा ऋषि हैं, उनकी दी हुई शिक्षा और हम असुरों की शिक्षा में अंतर है। पिताश्री, तो क्या मुझे ऋषि आश्रम में पाई हुई शिक्षा भूलनी होगी? इसका उत्तर तुम्हें आचार्य श्रुति कीर्ति देंगे। आचार्य, मैं युद्ध पर जा रहा हूं, आज से मैं प्रहलाद को आपके गुरुकुल को सौंप रहा हूं। आप निश्चिंत होकर जाइए सुरेश्वर, प्रहलाद आप ही के पदचिन्हों पर चलेगा। मैं भी आपके साथ आऊंगा पिताश्री। कहां? युद्ध पर? हाँ। पुत्र, तुम वहां क्या करोगे? मैं भी आपके साथ स्वर्ग लोक पे आक्रमण करूंगा। पुत्र, अभी तुम्हारी आयु आक्रमण करने की नहीं, अध्ययन करने की है। युद्ध भी एक विद्या ही होती है ना? आप क्षीरसागर पे जाएंगे ना पिताश्री? हाँ, क्यों?
लक्ष्मीपति विष्णु से युद्ध करेंगे? अवश्य करूंगा। नहीं पिताश्री, पुत्र कभी पिता से युद्ध नहीं करता। कौन पुत्र, कौन पिता? क्या आप नहीं जानते, विष्णु हम सबके पिता हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आज इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान एक ही है, और वो मैं हूँ। मैं, मैंने मृत्यु पर विजय पाई है। मृत्यु पर। परंतु भगवान विष्णु अजन्मा है, वे तो जन्म और मरण दोनों के परे हैं। आचार्य श्रुति कीर्ति। दैत्यराज, आप क्रोध मत कीजिए, आपका ये पुत्र मेरी देवी शिक्षा नहीं बोल रहा है। तुम्हारे गुरु क्या कह रहे हैं प्रहलाद? गुरु जी सत्य कह रहे हैं पिताश्री, जो हमारे हृदय में स्थित हैं, वही विष्णु सारे जगत के उपदेशक हैं, और परमेश्वर को छोड़कर इस दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता पिताश्री। मुझ जगदीश्वर के होते हुए तू बार बार किस विष्णु का वर्णन कर रहा है? जिससे ये विश्व प्रकट हुआ है, उस परमेश्वर विष्णु का पिताश्री। मेरे रहते हुए कोई परमेश्वर नहीं। नहीं पिताश्री, आप परमेश्वर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते पिताश्री। प्रहलाद! पिताश्री, विष्णु अनश्वर हैं, नित्य हैं, उनका नाश कभी नहीं हो सकता। आप, मैं और हम सब नश्वर हैं, और वैसे ही हमारा नाश अटल है, और वैसे आपको भी एक दिन नाश होना है। गंगा मैया, तेरी जय हो, जय हो, जय हो गंगा मैया।